छात्रों, आज हम छापा यह ओम प्रकाश आदित्य जी की रचना देखने वाले हैं। प्रस्तुत हास्य व्यंग कविता, ये हास्य व्यंग कविता है। मैं कवि ने आयकर विभाग यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का छापा रेड जो होती है उसके माध्यम से आम आदमी की आर्थिक स्थिति, छापा मारने वालों का कार्य प्रणाली को दर्शाया है और उससे होने वाला हास्य यानी हंसी की बातें यहाँ पर बताई है। तो देखिए, मेरे घर छापा पड़ा, छापा यानि धावा बोलना, छोटा नहीं बहुत बड़ा। वे आए घर में घुसे और बोले सोना कहाँ है। मैंने कहा मेरी आँखों में है, कई रात से नहीं सोया हूँ। वे रोश में आकर बोले स्वर्ण दो स्वर्ण, स्वर्ण यानि गोल्ड। मैंने जोश में आकर कहा सुवर्ण मैंने अपने काव्य में बिखेरे हैं, उन्हें दे दूँ। वे झुंझला कर बोले तुम समझे नहीं, हमें तुम्हारा अनधिकृत यानि अनलीगल रूप से अर्जित अर्थ चाहिए, मतलब कमाया हुआ धन चाहिए। मैं मुस्कुराकर बोला अर्थ नहीं मेरी नई कविताओं में है, तुम्हें मिल जाए तो ढूंढ लो। तो इस तरह से कवि के घर पर, लेखक के घर पर जब छापा पड़ता है, इनकम टैक्स की रेट पड़ती है, तो वहाँ पर उनको कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो सोना यानि गोल्ड या पैसा जो है, जो अनलीगल तरीके से कमाया जाता है, वो अधिक मात्रा में होने के कारण उसकी भी छानबीन की जाती है। तो जैसे ही वे अधिकारी उनके घर पर आते हैं, धावा बोल देते हैं, छापा मारते हैं, तो वे पूछते हैं कि सोना कहाँ है। तो कवि अपने भाष्य में कहते हैं कि सोना, कई रात से मैं सोया नहीं हूँ, मेरी आँखों में है सोना, ऐसा वे कहते हैं। वे क्रोध में आकर बोलते हैं कि स्वर्ण दो स्वर्ण यानि गोल्ड। तो वे कहते हैं मेरे काव्य यानि मेरी कविता में जो है, मैंने कई ऐसे सुवर्ण यानि गोल्ड मैंने क्या किए हैं, बिखेरे हैं, आपको मैं कैसे दे दूं। वे झुंझला कर यानि एकदम चिड़चिड़ा गए और बोले कि हमें तुम्हारा अनलीगल तरीके से, अनधिकृत रूप से जो आपने धन कमाया है वह चाहिए, मतलब अर्थ चाहिए। वे मुस्कुराकर फिर बोलते हैं अर्थ मेरी कविताओं में है, आप ढूंढ लीजिएगा, ऐसा वे कहते हैं। आगे वे कड़क कर बोले चांदी कहाँ है। मैं भड़क कर बोला मेरे बालों में आ रही है धीरे धीरे। वे उद्भ्रांत होकर बोले यह बताओ तुम्हारे नोट कहाँ है, परीक्षा से एक महीने पहले करूँगा तैयार। वे गरज कर बोले हमारा मतलब आपकी मुद्रा से है। मैं लरज कर बोला मुद्राएं आप मेरे मुख पर देख लीजिए। सोचने लगे, फिर शयन कक्ष में घुस गए और फटे हुए तकिए की रुई नोचने लगे। इस तरह से आगे क्या हुआ कि वे जब कड़क कर बोले यानी तेज स्वर में, बड़ी आवाज़ में बोले कि चांदी कहाँ है, तो लेखक ने उनको थोड़ा सा भड़क कर जवाब दिया, बोले कि मेरे बालों में आ रही है धीरे धीरे। वे उद्भ्रांत होकर बोले, उद्भ्रांत यानि हैरान होकर, परेशान होकर बोले यह बताओ तुम्हारे नोट कहाँ है। नोट यानि इनकम टैक्स वालों का कहना था पैसा, रुपया। लेकिन लेखक ने क्या आंसर दिया उसका, जैसे कि अपन नोट्स बनाते हैं एग्ज़ाम से पहले, परीक्षा से एक महीने पहले करूँगा तैयार। वे गरज कर बोले, फिर वो कड़क आवाज़ में बोलने लगे हमारा मतलब आपकी मुद्रा से है, यानी पैसे से है। मैं लरज कर बोला, थोड़ा सा कांपता हुआ मैंने बोला मुद्राएं आप मेरे मुख पर देख लीजिए, मुद्राएं यानी अलग अलग चेहरे की छवि। वे खड़े होकर कुछ पूछने लगे तो फिर शयन गृह में गए वो लोग, यानी उनके बेडरूम की ओर जाने लगे। फिर शयन कक्ष में घुस गए और फटे हुए तकिए की रुई नोचने लगे। उन्होंने टूटी अलमारी को खोला, रसोई की खाली पिपिया को टटोला, बच्चों की गुल्लक तक देख डाली, पर सब में मिला एक ही तत्व यानी खाली। कनस्तरों को, मटकों को ढूंढा, सब में मिला शून्य ब्रह्मांड। देखकर मेरे घर में ऐसा अरण्य कांड, उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया। तो वे लोग उनके घर के, रसोई के घर में गए, वहाँ पर
पीपीए खाली पीपीए थे, मतलब सामान जो रखने की जगह है, ढोल के आकार का लोहे का बना पात्र, और बच्चों का गुल्लक यानी बच्चे जिसमें पैसा जमा करते हैं, वह मिट्टी का एक बर्तन होता है जिसमें पैसे जमा किए जाते हैं, उसको गुल्लक कहा जाता है। पर सब जगह उन्हें एक ही बात दिखाई दी, यानी खाली। तो कनस्तरों को भी देखा, टीन के डब्बे वगैरह देखा, मटकों को ढूंढा गया, तो सब जगह वहाँ पर उनको क्या मिला, शून्य ब्रह्मांड, यानी पूरा संसार जो है इनका क्या मिला था, पूरा खाली ही मिल गया था। देखकर मेरे घर में ऐसा अरण्यकांड, मतलब पूरा बिखरा हुआ घर इनका हो गया था, तो उनका चेहरा जो है मुरझा गया, क्योंकि कुछ नहीं मिला। तकिए तक उन्होंने फाड़ दिए थे और उसको भी उन्होंने चेक कर लिया था, और उनके 20 सुचि हृदय में रौद्र की जगह करुण रस समा गया। वे बोले, क्षमा कीजिए, हमें किसी ने गलत सूचना दे दी। अपनी असफलता पर वे मन ही मन पछताने लगे, सिर झुकाकर वापस जाने लगे। मैंने उन्हें रोककर कहा, ठहरिए, सिर मत धुनिए, मेरी एक बात सुनिए, मेरे घर में अधिक धन होता तो आप ले जाते। तो लेखक के घर पे जब कवि के घर पे जब उनको कुछ नहीं मिला, तो वे लोग उनसे माफ़ी मांगकर, क्षमा मांगकर वो जाने लगे और कहने लगे कि हमें किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी थी, जिसके कारण हमने ये रेड यानी छापा यहाँ पे आपके घर पे मारा था। लेकिन ये नाउम्मीद हुए थे, इन्हें कुछ भी ऐसा धन जो है यहाँ पर पैसे के रूप में, धन के रूप में या सोना चांदी के रूप में कुछ भी चीज़ ऐसी इनकी मिली नहीं थी। तो ये कवि ने एक हास्यात्मक तरीके से उनको जवाब दिया, और इस तरह से कवि के घर पे छापा मारने के बाद वे लोग परेशान हो गए और अपनी गलती की यहाँ पर क्षमा मांगने लगे, और कहा उन्होंने, क्षमा कीजिए, हमें किसी ने गलत सूचना दे दी। अपनी असफलता पर वे मन ही मन पछताने लगे और वापस जाने लगे। तो लेखक ने कहा कि अब ये आपने पैसा अगर मिल जाता तो आप उसको लेकर चले जाते। अब जब मेरे घर में बिल्कुल धन नहीं है, तो आप मुझे कुछ देकर क्यों नहीं जाते? जिनके घर में सोने चांदी के पलंग और सोफे हैं, उन्हें आप निकलवा लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, निकलवा लीजिए। पर जिनके घर में बैठने को कुछ भी नहीं, उनके यहाँ कम से कम एक तख्त तो डलवा दीजिए। तो लेखक ने फिर हास्य स्वरूप उनसे बात की, और उन्होंने कहा कि जब आप मेरे पास अगर धन अधिक मिलता तो आप उसे अवश्य ले जाते हैं, लेकिन अब जब आपने ढूंढ लिया है, कुछ भी बिल्कुल धन नहीं है, तो आप ऐसा करिए ना, मेरे को कुछ देकर चले जाइए, कि जिनके घर में सोने चांदी के पलंग और सोफे हैं, उन्हें आप निकलवा लेते हैं, जब्त कर लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, निकलवा लीजिए। पर जिनके घर में बैठने को कुछ नहीं है, उनके यहाँ पर आप थोड़ा सा एक तख्त तो दे सकते हैं। तो इस तरह से छापा, ये इनकम टैक्स की रेट जो है, जब कवि के घर में पड़ती है, ओम प्रकाश आदित्य जी ने बड़ी ही हास्यास्पद ये बात कही है कि किस तरह से सामान्य जनता को या आम पब्लिक जो होती है, इनके घर पे जब छापा पड़ता है तो किस तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वे लोग घर में घुसकर हर चीज़ को जो है ढूंढते, हर चीज़ जो है वो टूट फूट जाती है, तोड़ देते हैं, यहाँ तक कि तकिए भी उन्होंने नहीं छोड़े। तो इस तरह से काफ़ी परेशानियों का सामना आम इंसान को करना पड़ता है।